हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एनुक जो यूट्यूबर हैं उनका ये मेकअप लुक करने जा रही हूँ। और उनका ये आई मेकअप लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत ही कम समय में उन्होंने ये मेकअप कर लिया था, कुछ ही मिनटों में। तो मुझे उनका ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने पॉप फिल के आई शेडो पैलेट से ये पीची कलर का शेड लिया है। ये कुछ पिंक सा शेड है, कुछ पीची सा शेड है, और मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और मुझे उनके लगभग सभी जो मेकअप ट्यूटोरियल होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से करती हैं। उनकी जो मेकअप स्किल है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, मैंने ये अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं अभी इसी शेड को अपनी लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी। मैंने जस्ट एक छोटी सी कोशिश की है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जज बिल्कुल मत कीजिएगा। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा। अच्छे से आपने लगा लेना है, अपने आउटर वी तक इसे लेके जाऊंगी मैं, और इनर कॉर्नर में भी मैं अच्छे से लगा लूंगी इसे। और हो सकता है गाइज़, आपको कैमरा में जो है मेरे जो आई शेडो का जो कलर है वो शायद थोड़ा सा चेंज नज़र आए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड है। नेक्स्ट मैं ये ले रही हूँ अपने मार्स आई शेडो पैलेट से, ये शिमर पैलेट है, और ये ऑरेंज शेड ले लूँगी मैं अब इसमें से, और अपनी आईलिड पर लगा लूँगी अपनी फिंगर टिप की हेल्प से। और जब भी आप शिमर्स लगाएं तो फिंगर्स की हेल्प से लगाएं तो बहुत अच्छे से कलर आता है इनका। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबेलिन का मस्कारा, और मैंने यहाँ पर मस्कारा के 2 से 3 कोट लगाए हैं। और मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। और अब मैं ऑफ कैमरा मैंने ये अपनी फॉल्स लैशेस लगा ली है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी से न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।